नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। जमशेदपुर के बाहर गोड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सह विगत लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर कुमार मोहंती इन दिनों एक पत्र को लेकर काफी चर्चे में है और शनिवार को उन्होंने मीडिया के समक्ष सिरे से उस पत्र को फर्जी बताते हुए इसके विरुद्ध एक्शन लेने की बात कही। बता दें, विगत शुक्रवार से एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें विधायक समीर मोहंती का लेटर हेड इस्तेमाल किया गया है। उसकी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र प्रेषित करते हुए कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के जमशेदपुर जिलाध्यक्ष ने उनसे चुनाव के दौरान मोटी रकम ली है और उनके पक्ष में कार्य नहीं किया है। इस पत्र में विधायक समीर मोहंती का बकायदा सिग्नेचर और स्टाम्प भी है और इसी कारण ये वायरल हुआ है। इस पत्र को उन्होंने सिरे से नकारते हुए फर्जी करार दिया है, साथ ही इसके पीछे के व्यक्ति पर कार्रवाई की बातें भी कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नामांकन के दिन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उन्हें तमाम दायित्व और दायरे बता दिए थे और उसी के आधार पर उन्होंने कार्य किया था। उन्होंने कहा कि उनके घटक दल कांग्रेस पार्टी और उनके बीच जानबूझकर कोई विवाद उत्पन्न करवाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के ही अंदर का कोई व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा हो और इस कारण वे खुद उसकी जांच करवा रहे हैं, जिसके बाद वे इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष जरूरत इसलिए पड़ा है कि कल कुछ अखबार पेपर मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी हुआ है। सबसे पहले तो मैं तमाम गठबंधन के तमाम सभी दल को धन्यवाद देंगे जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में अपना अपना जिम्मेदारी का पालन करके हमको सहयोग करने का काम किया। कुछ पत्रकार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आज हमको पता चला कि एक लेटर हमारे तरफ से कहीं गया है कांग्रेस के वरीय पदाधिकारी के पास और कहाँ कहाँ ही मेरे को पता नहीं है। हम पेपर पढ़ने का बात, ये बिल्कुल फर्जी लेटर है। ना ही हम किसी को इस तरह का पैसा देने का काम किए हैं और ना ही इस तरह का कहीं लेटर देने का काम किए हैं। हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे, कोई वार्ड मेंबर नहीं लड़ रहे। जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किए उसी दिन मेरा दायरा को, दायित्व और दायरा को बता दिया गया है डीसी के माध्यम से कि हमको क्या क्या करना है और कहाँ तक हमको करना है। और आप सारे लोग को जानकारी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज के साथ।